hi guys this is janagar madam once again welcome back to my youtube channel janagar madam and uh, you are watching on janagar madam how are you guys doing i hope you all guys are doing absolutely fit and fine in today's class we will learn advanced english structure and uh, today is advanced english structure day 32 Guys, हम लोग अक्सर अपने डे टू डे लाइफ में डे टू डे कन्वर्सेशन में अक्सर बुरा करते हैं जैसे कि कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है भागने की कोई जरूरत नहीं है खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है नई साड़ी खरीदने की या तो आप बोल सकते हैं नई साड़ी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है हम लोग ऐसे भी बोलते हैं अपने आम बोलचाल की भाषा में पहले कोई जरूरत नहीं है बोल देते हैं और लास्ट में भी बोल देते हैं जैसे मैं अभी बताई ना जैसे कोई जरूरत नहीं है साड़ी खरीदने की और इसको आप अलग तरीका से भी बोलते हैं जैसे नई साड़ी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है लास्ट में बोल दिए कोई जरूरत नहीं है शुरू में बोलिए या लास्ट में बोलिए जब इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे तो कोई जरूरत नहीं है इसकी इंग्लिश शुरू में आपको लेना होगा तो आइए जानते हैं कैसे तैयार होगा बहुत इजी है आप एक बार में समझ जाएंगे बस आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज यू हैव टू स्टे इन दिस वीडियो टिल दी एंड सो दिल लेट्स गेट स्टार्टेड सो फर्स्ट सेंटेंस इज कोई जरूरत नहीं है नई साड़ी खरीदने की या तो फिर आप बोल सकते हैं नई साड़ी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है हम लोग इस तरीके से भी बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है उससे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है हर किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है खेलने की कोई जरूरत नहीं, नहीं है उससे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है उससे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है भागने की कोई जरूरत नहीं है काम करने की तो गाइज अभी जस्ट आपने इन सारे सेंटेंस को सुने हैं तो एक चीज आपने जरूर नोटिस किए होंगे कोई जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं है ये क्या है सारे सेंटेंस में कॉमन है कोई जरूरत नहीं है के लिए हम यूज करेंगे देयर इज नो नीड तो चलिए इसको स्ट्रक्चर इस में रख के देखते हैं देयर देयर इज नो नीड देयर इज नो नीड का मतलब होता है कोई जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं है के लिए हम यूज करेंगे देयर इज नो नीड आई होप की गाइज कोई जरूरत नहीं है तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा देयर इज नो नीड मतलब कोई जरूरत नहीं है ओके okay? उसके बाद प्लस टू का यूज करना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो गाइज आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है बहुत ही इजी है और आम बोल चाल के क्या है सेंटेंस है इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग अक्सर अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं कि नहीं जरूर बोलते हैं तो गाइज हम लोग हिंदी में तो आसानी से बोल लेते हैं जब इस तरीके के सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं तो अटकने लगते हैं इसलिए तो गाइज आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखनी है देयर इज नो नीड पहले आपको यूज करना है प्लस टू का यूज करेंगे प्लस वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जब भी आपको इस तरीके से बोलनी हो ओके okay, तो आप इसी स्ट्रक्चर का आप यूज करेंगे इसको आपको याद रखना है कोई जरूरत नहीं है के लिए यूज करेंगे देयर इज नो नीड प्लस टू का यूज करेंगे प्लस वर्क फर्स्ट पर प्लस ऑब्जेक्ट आई होप कि गाइस, आज का स्ट्रक्चर जो है आपको अच्छा लगा होगा तो चलिए बिना देरी करते हुए सेंटेंस को बना सीखते हैं कोई जरूरत नहीं है कि इंग्लिश पहले लेनी है देयर इज नो नीड ओके देयर इज नो नीड देन उसके बाद टू का यूज करना है टू उसके बाद वर्क फर्स्ट फॉर्म क्या है खरीदने खरीदना है ओके okay? बाय ऑब्जेक्ट क्या है नई साड़ी साड़ी, एक साड़ी की बात हो रही है इसलिए आर्टिकल का यूज किया है ओके देयर इज नो नीड टू बाय अ न्यू साड़ी देयर इज नो नीड टू बाय अ न्यू साड़ी गाइज आपको मेरे साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है क्योंकि मैं एक सेंटेंस को दो बार बोल रही हूं ना तो फर्स्ट टाइम में आपको लिसन करना है एंड सेकेंड टाइम में आपको मेरे साथ साथ बोल बोलकर प्रैक्टिस करनी है ओके आई होप कि आप ऐसा जरूर कर रहे होंगे सेकेंड सेंटेंस है कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की देयर इज देयर इज नो नीड दे उसके बाद पूज करना है ओके okay. उसके बाद वर्फ की फर्स्ट फॉर्म क्या है बात करने तो क्या हो जाएगी टॉक टॉक उससे टू हिम देयर इज नो नीड टू टॉक टू हिम देयर इज नो नीड टू टॉक टू हिम यदि गाइज लड़की होगी तो आप यहां पे हर का यूज करेंगे क्या इसका यूज करेंगे हर का ओके जैसे देयर इज नो नीड टू टॉक टू हर कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की देर देयर इज नो नीड देन टू का यूज करना है टू उसके बाद वर्क फर्स्ट फॉर्म जाने गो ऑब्जेक्ट क्या है वहां देयर इज नो नीड टू गो देयर देयर इज नो नीड टू गो देयर तो गाइस आज का स्ट्रसर आप सभी को कैसी लगी यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो बने रहिए मेरे साथ साथ ओके कोई जरूरत नहीं है उसे बुलाने की या तो आप बोल सकते हैं उससे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है हम ऐसे भी बोलते हैं देयर इज देयर इज नो नीड टू कॉल हिम देयर इज नो नीड टू कॉल हिम देयर इज नो नीड टू कॉल हिम यदि लड़की होगी तो आप यहां पर हर का यूज करेंगे जैसे देर इज नो नीड टू कॉल हर कोई जरूरत नहीं है हर किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है हर किसी से माफी मांगने की देयर इज देयर इज नो नीड हर किसी से माफी मांगने की तो पहले टू का यूज करेंगे उसके बाद क्या है वर्क फर्स्ट फॉर्म तो क्या है माफी मांगने अपोलो जाइज अपोलो जाइज ऑब्जेक्ट क्या है हर किसी से तो क्या हो जाएगी टू एवरी वन देयर इज नो नीड टू अपोलो जाइज टू एवरी वन देर इज नो नीड टू अपोलोजाइज टू एवरी वन कोई जरूरत नहीं है खेलने की देर इज देयर इज नो नीड टू प्ले इसमें ऑब्जेक्ट डाइज नहीं दिया हुआ है ओके देर इज नो नीड टू प्ले देर इज नो नीड टू प्ले कोई जरूरत नहीं है उससे बहस करने की देयर इज नो नीड टू आर्ग्यू ओ सॉरी आर्ग्यू विद हिम देर इज नो नीड टू आर्ग्यू विद हिम देर इज नो नीड टू आर्ग्यू विद हीम यदि लड़की होगी तो आप यहां यहां पर आप हर का यूज करेंगे ओके देर इज नो नीड टू आर्ग्यू विद हर ओके कोई जरूरत नहीं है भागने की कोई जरूरत नहीं है भागने की देयर इज नो नीड टू रन अवे देयर इज नो नीड टू रन अवे देयर इज नो नीड टू रन अवे कोई जरूरत नहीं है काम करने की या तो आप बोल सकते हैं काम करने की कोई जरूरत नहीं है ऐसा भी हम बोलते हैं है, है कि नहीं सेंस सेम है ओके देयर इज देयर इज नो नीड टू वर्क देयर इज नो नीड टू वर्क देयर इज नो नीड टू वर्क यहां पे डू वर्क भी बोल सकते हैं डू वर्क सेम सेम ही आएगा देयर इज नो नीड टू डू वर्क डू वर्क भी बोल सकते हैं या तो वर्क भी बोल सकते हैं सेन्स सेम ही है ओके नाउ गाइज योर टर्न अब आपकी बारी है मैं आप सभी को दो होमवर्क दे रही हूं जिसको आपको कॉमेंट बॉक्स में आपको सेंड करना है फर्स्ट वन कोई जरूरत नहीं है माइके जाने की माइके जाने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे भी तो बोलते हैं ना चलिए कोई बात नहीं कोई जरूरत नहीं है खाना बनाने की या तो आप बोल सकते हैं खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है टू आर यू सो प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स ओके तो गाइज डे थर्टी टू वीडियो आपसे कैसी लगी यदि अच्छी लगी हो कुछ सीखने को मिली हो कुछ सीखे है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर अ नाइस डे